हाय व्यूवर्स, देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन ठंडी ठंडी लस्सी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं लस्सी बनाना, ठीक है? मैं आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, इसमें क्या क्या लगते हैं क्या क्या नहीं, आगे का साथ में आपको बताते जाऊँ, ठीक है? तो हमने लस्सी बनाने के लिए अपने साथ लिया है मीठा दही 1/2 लीटर। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनते। मीठा दही 1/2 लीटर, ये दही है, योगर्ट, और उसके साथ हमने लिया है आइस, थोड़ा सा बर्फ, और 2 कप्स हमने लिए हैं जिसके अंदर मैंने खोया डाला है। खोया आपको ये मिठाई की दुकान में मिल जाएगा, खोया, ठीक है? ये 2 कप में थोड़ा थोड़ा सा खोया, इससे अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और उसके साथ है मलाई हमारे पास, और ये दही में मिलाने के लिए शुगर, ठीक है? ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी से हम बेहतरीन लस्सी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मलाई लेते हैं, थोड़ी सी मलाई। देखिए ये मलाई को आप इसके साथ डाल दीजिए, नीचे आना चाहिए, एक एक स्पून मलाई। क्रीमी होती है इससे एकदम लस्सी, बहुत क्रीमी फ्लेवर आ जाता है, ठीक है? अब ये कप्स को मैं इधर रखता हूँ। अब हम मिलाएंगे दही में शक्कर, ठीक है? 1/2 लीटर दही लिया था हमने, योगर्ट, मीठा वाला दही। तो इसमें मैं क्या करता हूँ मालूम है, एक शक्कर मिला देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने और थोड़ी शक्कर मिला लेते हैं, हम यूजुअली शक्कर कम ही डालते हैं इसमें, हमें ज़्यादा मीठी लस्सी पसंद नहीं है। अगर से आपको ज़्यादा मीठी लस्सी पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा शक्कर मिला ले सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शक्कर और दही को मिलाना। ये अंडा फेंटने वाला स्पेशल इक्विपमेंट है, आप कुछ भी दाल घोटनी जैसा आइटम से आप भी फिराकर बना सकते हैं। देखिए इससे ज़रा अच्छा मिलती है लस्सी। मैं अभी हाथ में कैमरा है, दोनों हाथों से मैं इसे ऐसे ऐसे रोटेट करूँगा तो इसमें देखिए एकदम बबल्स आना चाहिए, ये जैसे बबल्स दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? तो हम दही को ऐसे मिला लेंगे, इसमें बबल्स आने चाहिए। इसमें हमने शक्कर मिक्स की है, देखिए मैं आपको बबल्स बताता हूँ, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, हम इसमें आइस मिलाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आइस लिया है हमने, चमचे की मदद से इसे फोड़ लें। ठीक है, इस तरह से हम आइस को ऐड कर लेंगे, ठीक है? दूसरे वाले बॉल में हमने आइस हमने मिला लिया है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे दही जिसमें हमने शक्कर मिलाई थी। देखिए कितनी क्रीमी लग रही है, माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी ठंडी लस्सी वाली रेसिपी। आप देखिए, आप घर पे ट्राई करिए
और कमेंट में बताइए कि आपको लस्सी कैसी लगी, और आपके घर पे जब बनाए थे आप तो लस्सी टेस्ट आई नहीं आई, आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय।